दीदी 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 क्या हुआ? ये लीजिए चंद्रमुखी के कमरे की चाबी। पिलर यहाँ हो। ठीक है सर। हाँ हो जाए। सर जैसा आपने कहा वैसा ही। ओके सर। जिसने वो चाबी बनाई थी उसे खून की उल्टी हो गई और वो मर गया। सिर्फ चाबी बनाने से वो मर गया तो अगर वो तो वो दरवाजा खुल गया तो पता नहीं फिर किसी और की जान चली गई। तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है, ये तो होना ही था। 2400 घंटे शराब में धुत रहने वाला इंसान चाबी बनाता तो भी मरता, नहीं बनाता तो भी मरता। इस वहम को इसी वक्त अपने मन से निकाल दो। अगर इन बेकार सी बातों के बारे में ज्यादा सोचोगी ना तो पागल हो जाओगी। अगर चंद्रमुखी के कमरे की सिर्फ चाबी बनाने की वजह से लोहार की मौत हो गई तो वो दरवाजा खोलने पर गंगा कैसे बच गई? बिल्कुल सही। दरअसल मुझे लगता है कई सालों तक शराब पीने की वजह से लोहार का लिवर फेल हो गया और उसकी मौत हो गई। अब मैं कुछ बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है, पर ये बात 100% सच है कि वहां चुड़ैल है। छोड़ दे हवेली को, छोड़ दे हलवाई क्या जो छोड़ दे। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। दफा हो जा, निकल। अचक दफा हो जा, हवेली खाली कर। काका हो गया क्या? चुप रहे। चकाचक काका सुनो ना, 2 घंटे से अपॉइंटमेंट लिया था, 3 घंटे से गोली चला रहे हो। वो आएगी ना खड़े मुर्गे की तरह छील के रख देगी। भाग जा।
प्लेटफॉर्म पर ट्रेन वहां पार्क करो। कौन? कौन? जल्दी 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 अच्छा चल तो रहा हूँ। आए चुड़े कौन है वह? मैं हूँ चंद्रमा। ए भूत मुझे छोड़ दो बचा। सुनिए सुनिए ना, कोई दरवाजा ठोक रहा है। इतनी रात को आप सभी सुमित, वो काम करने वाले बाइक को कुछ दिखाई दिया है, चल कर देखो ना। घबराओ मत बेटी, कुछ नहीं होगा, तुझे कोई बहन हुआ है। पायल पहने सफेद साड़ी में इसने किसी औरत को भागते हुए देखा है, उसे देखने के बाद ये डर गई है बेटा। पायल पहने सफेद साड़ी, क्या हो रहा है? क्या हुआ गंगा, तुम चीख क्यों रही थी? ये देखो, ये अपने आप गिर के टूट गई। अपने आप? हाँ। आप लोगों को यहाँ काम पे किसने रखा? बड़ी मालकिन से कह के दुर्गा ने हमें काम पे रखवाया है। दुर्गा ने? देखो, मुझे पता है कि तुम सोच रही होगी ये भूत प्रेत का काम है, पर ऐसा कुछ नहीं होता, सब फिजूल की बात है। इतनी रात गए यहां क्या कर रही हो? कोई आवाज सुनी थी इसलिए आई हूं। ठीक है सब लोग जाके सो जाओ।